हरियाणा में NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में अपराध चरम पर पहुंच गया है। इसी महीने की 8 तारीख को गृह विभाग की एक समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें खुद प्रदेश के CM मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे, तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के अलावा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि आए दिन हरियाणा में नशे और गैंगस्टरों के मामले आते रहते हैं। पिछले एक पखवाड़े में प्रदेश में 2 बड़े रंगदारी के मामले, तो वहीं 2 दिन पहले बहादुरगढ़ में मार दिए गए इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफेद सिंह राठी की मौत ने सियासत में भूचाल ला दिया है। हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हुक्मरानों की कुर्सियां तो डगमगाई, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नशे और क्राइम से प्रदेश को छुटकारा कब मिलेगा। NCRB के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2022 में देश में 28,522 मर्डर केस रजिस्टर्ड किए गए, यानी औसतन हर दिन 78 हत्याएं हुई। साथ ही हत्या के कुल 28,522 मामले दर्ज किए गए, जो 2021 में 29,272 मामलों की तुलना में 2.6% की मामूली गिरावट दर्शाता है। वहीं 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 2021 में 4,28,278 मामलों की तुलना में 4.0% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले साल 4 दिसंबर को जारी हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की वार्षिक अपराध रिपोर्ट के अनुसार 2022 में हत्या की कुल 28,522 FIR दर्ज की गई, यानी हर दिन औसतन 78 हत्याएं, या यूं कह लीजिए कि हर घंटे 3 से अधिक हत्याएं हुई हैं। हालांकि ये 2021 में 29,272 और 2020 में 29,193 मर्डर के केस कम हैं। अब खट्टर सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है। कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जनता की तरफ से नव समाचार सफेद पोषों से पूछना चाहता है, क्या हरियाणा भी कभी अपराध मुक्त प्रदेश बन पाएगा? जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर लगाम लगाने वाला ऐसा कोई हुक्मरान कौन सामने आएगा जो हरियाणा के बेहतर भविष्य की बात करेगा? कांग्रेस हो या BJP या फिर छोटे घटक दल जो सरकार बनवाने में अहम भूमिका रखते हैं, क्या वो भी कभी इन मुद्दों पर आवाज बुलंद कर पाएंगे, या फिर सत्ताधीश बनकर खुद दुबक कर बैठ जाएंगे? लेकिन सवाल वही कि प्रदेश की जनता को ये गारंटी कौन देगा कि अब आपका प्रदेश अपराध मुक्त बनने वाला है? इतर दावों से हटकर बढ़ते अपराध पर अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। नव समाचार के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया के साथ मैं सोबित सिंह, गुरुग्राम।